एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। मिठाइयाँ, मिठाइयों की बात आते ही हम सब तरह तरह की मिठाइयों के बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई गुलाब जामुन के बारे में, कोई रसमलाई के बारे में, बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी जो अलग अलग, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ। लेकिन एक मिठाई ऐसी है जो शायद सभी को पसंद आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलाकंद की। आज हम कुक सम मैजिक में बनाएंगे कलाकंद। कलाकंद तो हम बनाएंगे, लेकिन हम कलाकंद बनाएंगे आम का। तो ये इसमें एक ट्विस्ट है कलाकंद में। कलाकंद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आम का कलाकंद आप खा के देखोगे तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली आज कुक सम मैजिक में चलेगा आम के कलाकंद का मैजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ तीन चीज ली है। ये मैंने चीनी ली है 100 ग्राम के आसपास, और ये मैंने मैंगो प्यूरी ली है। 2 बड़े मैंगो को मैंने कट करके और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसकी प्यूरी बना ली है। और लिया है मैंने दूध। दूध लिया है मैंने 2 लीटर। 2 लीटर दूध में से हम 1.5 लीटर दूध का तो खोआ वो बनाएंगे, छेना बनाएंगे, और आधा लीटर दूध, आधे से थोड़ा ऊपर आप लगा लो 600 ml, 600 ml के हम रबड़ी बनाएंगे। इन दोनों को मिला करके हम कलाकंद बनाएंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हाफ हाफ का बनाते हैं, 1 लीटर दूध की रबड़ी बना ली, 1 लीटर दूध का छेना बना लिया। लेकिन अगर इस प्रोसीजर से हम करेंगे कि छेना ज्यादा दूध का बनाएं और रबड़ी कम दूध की, तो कलाकंद बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले गैस ऑन कर देती हूँ। ये भगोने में दूध लिया है मैंने, ये 1.5 लीटर है, और ये कढ़ाई में है, ये है 600 ml के आसपास में। आप हाफ लीटर लगा लो, आप 2 लीटर अगर यूज करते हो तो हाफ लीटर रबड़ी का और 1.5 लीटर छेने का। अब इसका हमें छेना बनाना है, इसके हमें रबड़ी बनानी है। छेना बनाने के लिए सबसे पहले इस दूध में हम बॉईल लाते हैं। जब दूध में बॉईल आ जाएगा उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो देखो, ये जो जिस दूध को हमें फाड़ना है उस दूध में ये बॉईल आ गया है। बस हमें एक ही बॉईल लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस दूध को 2 मिनट ठंडा होने देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर इस दूध को हम फाड़ेंगे। तो ये दूध 2 मिनट के लिए ठंडा हो गया है, अब हम इसको फाड़ेंगे। दूध फाड़ने के लिए मैंने क्या किया है, ये आधा कप पानी लिया है मैंने एक बोल के अंदर। इसमें मैं 2 चम्मच विनेगर मिलाऊंगी, व्हाइट वाला, थोड़ा सा ज्यादा गिर गया, ये 2 चम्मच के आसपास हो चुका है, हो गया। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। इसी तरीके से पानी में नींबू का रस डाल के अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। इसमें हमें इसको डालना है, पर एक साथ नहीं डालना, 2 बैचेस में करके डालेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे इस तरीके से, कई बार क्या होता है कि थोड़े से इससे दूध फटता भी नहीं है। तो अगर आपका दूध ना फटे इस चीज से, तो आप थोड़ा सा विनेगर का यूज और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये और डाल दिया थोड़ा सा मैंने। तो देखिए दूध फट चुका है, ग्रीन ग्रीन सा पानी बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरीके से दूध फट जाएगा अच्छे से काफी। और अगर सिरके की जरूरत और पड़े या नींबू डालना पड़े तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दूध फट नहीं पाता है ढंग से 2 चम्मच सिरके से। अब हम क्या करेंगे, छेना अलग करेंगे और पानी अलग करेंगे। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, एक ये बर्तन लिया है और इस पे एक तरह से ये छन्नी लगाई है, और छन्नी के ऊपर मैं एक मलमल का कपड़ा लगाऊंगी, मलमल का, कॉटन का, कैसा भी कोई सूती कपड़ा होना चाहिए जिसमें आराम से ये पानी से वो हो सके, छन सके इसमें छेना। ये लगा दिया मैंने, अब मैं इसको इसमें डालूंगी। ये छेना और पानी हम अलग कर लेते हैं धीरे धीरे। ये छेना और उसका पानी हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको सिरके से फाड़ा था तो इसमें खटास होगी, हमें इससे 2-3 बार अच्छे साफ पानी से धो के फिर रेडी करना है। साफ पानी से धो रही हूं इस तरीके से, ताकि इसके अंदर की जितनी भी खटास है सारी निकल जाए। इस तरीके से हमको इसको 3-4 बार अच्छे से धो करके पानी को स्क्वीज कर लेना है। इस छेने को मैंने 3-4 बार अच्छे से साफ पानी से धो लिया है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी खटास नहीं है। अब हमें इसको दबा के जमाना नहीं है, जैसे अपन पनीर बनाते हैं उस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ इसका पानी जो है अच्छे से हमें निकाल लेना है। जितना इसमें पानी है सारा निकाल लेंगे हम दबा दबा के अच्छे से।
ये छेना हो गया रेडी बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, एक पोटैटो मैशर लेके इसको खूब मैश करना है छेने को अपने को उस तरीके से, ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। बिल्कुल एकदम ही स्मूथ भी नहीं करना है, मीडियम। अभी मैं दिखाती हूँ आपको करके इस तरीके से। तो ये छेने को हमने अच्छे से मैश कर लिया है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, ये देखो। अब हम आगे रबड़ी को देखते हैं। ये दूध भी बिल्कुल हमारा 1/4 रह चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें चीनी डालनी है। ये मैंने टोटल 100 ग्राम चीनी ली है, लेकिन मैं मैंगो कलाकंद बना रही हूँ तो थोड़ी सी मैं इससे कम ही डालूंगी, यानी 80 ग्राम ही डालूंगी। और बात उस पर भी डिपेंड करती है कि आपके मैंगो कितने खट्टे हैं और कितने मीठे हैं। अगर मैंगो ज्यादा खट्टे हैं तो आपको पूरी 100 ग्राम चीनी ही लेनी पड़ेगी, लेकिन मैंने जो मैंगो प्यूरी किए हैं वो काफी मीठे हैं, इसलिए मैं 80 ग्राम लूंगी। तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, क्योंकि एक साथ चीनी अगर हम डालते हैं तो चीनी पानी छोड़ देती है और मजा नहीं आता बिल्कुल भी। इस बात का खास ध्यान रखना कि रबड़ी में चीनी छेना डालने से पहले डालनी है, छेना डालने के बाद चीनी नहीं डालनी। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे, गलती से ऐसा हो जाए कि आप पहले छेना डाल दोगे फिर चीनी डालोगे, तो कलाकंद के अंदर जो चीनी है वो मुंह में थोड़े थोड़े उसके दाने एंड तक आएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर वो ढंग से मेल्ट हो नहीं पाएगी। ये देखो चीनी डालने के बाद रबड़ी में बॉईल आ गया। अब मैं बाकी की चीनी है वो भी थोड़ी सी, ये थोड़ी मैंने बचा ली है, अब दोबारा से इसमें बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम इसमें छेना डालेंगे। ये चीनी मेल्ट हो गई है अच्छे से, अब हम क्या करेंगे इसमें छेना डालेंगे। ये धीरे धीरे सारा छेना मैं इसमें मिला दूंगी और इसको हमें खूब अच्छे से मिक्स करना है, और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ड्राई सा करना है, मतलब दूध दूध सा ही रबड़ी से अलग नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ये मिक्स कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे गैस को एकदम फुल कर लेंगे, फ्लेम फुल, क्योंकि अगर गैस को सिम पे इसको हम पकाएंगे तो ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देगा और वो हमें नहीं चाहिए। वैसे तो ये मैंगो कलाकंद येलो कलर ही आएगा, लेकिन अगर आप कभी प्लेन बनाना चाहें कलाकंद, आम नहीं डालना चाहें इसमें, उस चीज के लिए मैं ये बता रही हूँ कि इस टाइम पे इसको हमें फुल फ्लेम पे पकाना है। ये देखो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं भी इसमें दूध छेना कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। इस टाइम पे अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें मैंगो मिलाना है, लेकिन मैंगो हम इस टाइम पे नहीं मिलाएंगे, इसको हम कम से कम आधा 50-60% इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें मैंगो मिलाएंगे और उसके बाद ही इसको जमाएंगे हम। अब ये देख लेते हैं इसको, ये मिक्सचर हमारा 50-60% ठंडा हो चुका है, ऐसे हाथ लगा के ना थोड़ा हल्का, बस गुनगुने से हल्का सा तेज हो, ज्यादा नहीं। अब मैं क्या करूंगी, ये मैंगो प्यूरी जो मैंने ली थी इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करूंगी। खुशबू, इतना फाइन मैंगो कलर आ रहा है, तो ये सारा मैंगो मैं इसमें डाल देती हूँ। कोई भी चीज अगर हमें मिलानी हो किसी में तो थोड़ा बैचेस में मिलानी चाहिए, तो इजी हो जाता है थोड़ा सा। दोनों चीजों की खुशबू का जो ब्लेंड है ना वो इतना अच्छा आ रहा है, इतना प्यारा आ रहा है। बस अब आप इसको खा के देखना, अभी तो खुशबू ही सूंघी है, जब आप खाओगे तो बस जिंदगी बन जानी है आपकी। मतलब ये फ्यूजन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है, इतनी टेस्टी चीज बनेगी ये, जरूर बनाना आप लोग घर पे, एक बार जरूर ट्राई करना मेरे कहने से। और इतना ज्यादा कोई इसमें वो भी नहीं लगता कि भाई ये, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ये चीज इसमें कुछ भी मैदा, कोई भी कॉर्नफ्लोर, कोई मतलब मिल्क पाउडर वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसको व्रत में भी खा सकते हो, बिल्कुल प्योर चीज है, सिर्फ चीनी दूध और आम, उसके अलावा कोई चीज नहीं डाली मैंने इसके अंदर, आप व्रत में आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और घर की बनी हुई चीज की तो बात ही अलग होती है। तो है ही। तो ये मैंने मैंगो को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम एक बर्तन में जमाएंगे। ये पैन लिया है मैंने, केक टीन लिया है, इसको मैंने घी से थोड़ा सा पहले ग्रीस कर लिया है, ताकि जब बाद में हम पीस निकालने लगे इसके तो इजीली निकल जाए। इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, ये इस तरीके से टैप कर लिया हमने इसको, और थोड़ा थोड़ा हम इसको पिस्ता से गार्निश कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो, नहीं डालना चाहो, अपने मन से कुछ और भी डाल सकते हो, लेकिन कलाकंद में पिस्ता का ही टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो यही पसंद है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप काजू वगैरह कुछ डालना चाहो तो।
अब हमें इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए, कम से कम मिनिमम 2 घंटे के लिए फ्रीज करना है। थोड़ा सा मतलब अगर आप चाहो तो 4-5 घंटे के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 घंटे से पहले तो इसको निकालना ही नहीं है बाहर। जी तैयार है लाजवाब मैंगो कलाकंद, खाइए खिलाइए। और मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कुक सम मैजिक।